हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक, वेलकम टू आवर चैनल ई कॉमर्स आइडियाज पे। और आज इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि रिसेंटली बहुत सारा ऐसा व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मेरे को डीएम कर रहे थे कि मीशो पे ऑर्डर जो है वो ठीक तरीके से पिकअप नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो कुछ मैं यहाँ पे आपको किस वजह से आपका पिकअप नहीं हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, और न्यू सेलर्स के लिए क्या कैसे आपको वो मैनेज करना है उसका एक टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत दिन से मैं मेरा जो इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे ये मैसेज मेरे को मिल रहा था कि मीशो को लेके बहुत दिन से आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि आपका जो ऑर्डर्स है वो टाइमली पिकअप नहीं हो रहा है। तो मेनली ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है ज़्यादातर नया सेलर कर रहा है, ओल्ड जो सेलर है, और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नया सेलर ही कर रहा है, उसका वो तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ जो ओल्ड सेलर है उन सेलर्स के लिए भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका सलूशन ऐसा, मतलब जो मैं आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ कैसे सलूशन हो सकता है इसके ऊपर मैं बताऊंगा, ये नहीं कि 100% आप ये जो प्रोसेस मैं आपको बताऊँ ये आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है उस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ आप इसको एक ट्राई करके देख सकते हैं कि इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने ऑर्डर को प्रोसेस किया है, पढ़ने के बाद आप देख रहे हो कि कल का या परसों का डेट में 2 डेज का आपके पास इसलिए रहता है तो उसके अंदर आपका जो ऑर्डर्स है वो पिकअप नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर से आपको लॉगिन करना है पैनल पे और ऑर्डर्स में जाके आप देखिएगा, वहाँ पे हर ऑर्डर्स का या बल्क सिलेक्ट करके आपको एक लेबल डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि कुरियर का और मीशो का जो लिंक रहता है कि जब आप वो ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं उसके बाद जब लेबल डाउनलोड करते हैं तो उन लॉजिस्टिक के पास एक नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपका ऑर्डर जो है वो पैक हो चुका है, रेडी टू शिप के लिए रेडी है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे आपका जो लॉजिस्टिक का जो बंदा है वो आता है और आपको वो जो ऑर्डर से वो पिकअप करके कस्टमर तक डिलीवर करता है। तो कई टाइम ऐसा होता है कि नेटवर्क इशू की वजह से, सर्वर के इशू की वजह से हो सकता है कि आपने ऑर्डर को प्रोसेस कर रहे हो और आपका लॉजिस्टिक के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं जा रहा है, तो इस वजह से आपका ऑर्डर जो है पिकअप नहीं हो रहा है। तो आप एक बार फिर से करके देखिए, हो सके उसके बाद आपका जो सोल्यूशन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए कि आपका ऑर्डर जो है टाइमली पिकअप हो जाए आपके लोकेशन पे। और सेकेंड जो ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको पहले देखना है कि आपके पास जो लॉजिस्टिक से ऑर्डर पिकअप हो रहा है, हो सकता है आपके पास डिलीवरी से हो रहा है, हो सकता है ई कॉम से हो रहा है, इसके साथ फेडेक्स या जो भी लॉजिस्टिक से आपको वहाँ पर पिकअप हो रहा है, कौन कौन सा लॉजिस्टिक पे वो पहले आप देखिए, और कौन सा लॉजिस्टिक पे ही वो सेम प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो सकता है आप डिलीवरी पे कर रहे हो या ई कॉम पे कर रहे हो, तो आपका जो लोकल जो कुरियर सर्विस है उनसे बात कीजिए कि उनके पास आप प्रोसेस कर रहे हो वो ऑर्डर, मतलब आप उन लोगों का नोटिफिकेशन जा रहा है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि नोटिफिकेशन तो जा रहा है बट जो बंदा पिकअप के लिए निकल रहा है वो ठीक तरीके से अपना काम जो है कर नहीं रहा है, आपका ऑर्डर बिना आपका लोकेशन विजिट करके बता दे रहा है कि सेलर्स अवेलेबल नहीं है, वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दे रहा है, तो इससे भी आपका जो ऑर्डर से पिकअप नहीं हो सकता है। तो पहले आप देखिए कि कौन सा मार्केट, मतलब कौन सी लॉजिस्टिक का जिसने ऑर्डर आपके पास आ रहा है वो पिकअप नहीं हो रहा है, उन लॉजिस्टिक से आप बात कीजिए, हो सके डायरेक्टली उनके ऑफिस में जाइए, जाके उनको बताइए कि प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, अगर इससे भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व ना हो तब जाके आप मार्केट प्लेस को मेल कीजिए। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट इसलिए के अंदर आपका प्रोडक्ट पिकअप नहीं होगा, अगर उसके बाद पिकअप होगा तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है अकाउंट का, मतलब लेट डिस्पैच डेट का जो हेल्थ है वो आपको नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, मार्केट प्लेस ऑटोमेटिकली कर देगा और आपका अकाउंट का जो हेल्थ है वो गिर जाएगा। तो इससे पहले आप कोशिश कीजिए आपके तरफ से जितना हो सके, और उसके साथ साथ अगर आप देख रहे हैं कि हाँ आपका डेट ओवर हो रहा है तो आप जाके एक मेल ड्रॉप कीजिए मीशो को, मार्केट प्लेस को, ताकि उन आप बाद में कोई भी पेनल्टी चार्ज लगे या बाद में कोई भी इशू हो तो आप रियली बता पाएंगे कि आपको आपने कंप्लेंट किया था, आपने टिकट रेस किया था, तब जाके आपको थोड़ा जो पेनल्टी लगेगा वो रिफंड हो जाएगा। और नया सेलर के लिए जो टिप्स मैं देने वाला हूँ कि अगर आप जो ओल्ड सेलर है या नया सेलर स्टार्ट में ये सोच सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट डिस्पैच प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था, तो आप न्यू सेलर है फर्स्ट टाइम आप नेक्स्ट डिस्पैच जो प्रोग्राम है उन पे एनरोल मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास आपको पता नहीं है, अगर न्यू सेलर है कि आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपका लॉजिस्टिक का जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया जो हर सेलर अभी फेस कर रहा है कभी कभार,
तो वो आपके पास भी सेम इशू है तो आपका ऑर्डर टाइमली नेक्स्ट डिस्पैच के जो है वो पिकअप नहीं होगा और आपको नेगेटिव मार्किंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं न्यू सेलर को ये बताऊंगा कि सबसे पहले आप नेक्स्ट डिस्पैच प्रोग्राम पे आप एनरोल मत कीजिए या नेक्स्ट डिस्पैच पे आप ऑप्शन पे आप ना जाएं। आप पहले 2 डेज का आप वहाँ पे इसलिए रखिए ताकि कोई भी ऑर्डर आपको फर्स्ट डे में पिकअप ना हो तो नेक्स्ट डे आपके पास रहे और उन टाइम में आप लॉजिस्टिक से या तो फिर आप मार्केट प्लेस से बात करें कि ऑर्डर्स को पिकअप के बारे में। तो इसलिए न्यू सेलर का ये टिप्स है कि आप पहले दिन से ही नेक्स्ट डिस्पैच या कोई भी ऐसा टाइमिंग ना रखें कि आपको प्रोडक्ट इसलिए वन डे आपने रख दिया, ऐसा मत कीजिए। आप 2 डेज तक ही रखिए, पहले देखिए कि आपके लोकेशन से ठीक तरीके से सभी कुरियर लॉजिस्टिक जो है वो पिकअप कर रहा है टाइम टू टाइम, कोई भी इशू नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे, तब जाके आप नेक्स्ट डे डिलीवरी प्रोग्राम पे आप नेक्स्ट डे डिस्पैच प्रोग्राम पे एनरोल कीजिए। उसके साथ साथ अगर हो सके कि आपका जो अगर उसका एनरोल ना करें कि आप कोशिश करें कि 1 डे डिस्पैच डेट आप फिक्स करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये न्यू सेलर के लिए टिप्स है। तो मैंने 2 सोल्यूशन आपको बताया कि आप जाके पहले सबसे पहले आप लॉजिस्टिक वाले से बात कीजिए, उसके बाद आप अगर ना हो तो मार्केट प्लेस से बात कीजिए, और अगर आपका कौन सा लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो रहा है तो उन लॉजिस्टिक को पहले फाइंड आउट कीजिए। और न्यू सेलर आप जो ऑनलाइन सेलिंग का जो ऑर्डर का जो प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम लेके ही करे ताकि आपको अकाउंट को ठीक तरीके से आप मैनेज कर पाए। तो बस यही छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देना था, ये इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये बता दिया आप ये करेंगे और 100% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप कोशिश करके देख सकते हैं, इस जो मैंने आपको बताया सोल्यूशन एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, अगर इससे आपका काम हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ना हो तो आप ज़रूर मार्केट प्लेस से कॉन्टैक्ट कीजिए क्योंकि मार्केट प्लेस के पास बात करना इसके नॉट पिकअप होने का भी बहुत ज़रूरी है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको नॉट लेट डिस्पैच या तो फिर ऑर्डर नॉट पिकअप मीशो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो आपको मिल गया है। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी भी आप हजन में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई वीडियोस आप हजन के मिस ना करें, और आप सोशल मीडिया पर भी फॉलो सकते हैं, लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो नहीं मिलते अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।